अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल में और बारी की मैंने आपको पहले भी सैर करवाई थी तो यहाँ ऑलिव ऑयल की प्रोसेसिंग का एक यूनिट लगा हुआ है। तो देर नहीं करते जी, चले मेरे साथ, आपको दिखाते हैं हमारे खित्ते पोठोहार में ऑलिव से ऑयल कैसे निकाला जाता है। अभी आपको मशीन का शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, चलते हैं अंदर, आ जाए। ये आप मेरे हाथ में बोतल देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन है बारी की, यानी इस इंस्टीट्यूट की अपनी प्रोडक्ट है ये। ये देखें, ये हमारे साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं जी, मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। जी नाज़रीन इकराम, मुझे खसूसी दावत पे हैदर भाई ने इधर बुलाया और मैं दौड़ा चला आया। आजकल सीज़न चल रहा है जी ऑलिव का, तो हैदर भाई बताइएगा मेरे नाज़रीन को, ये जो मशीन है इसकी तो खसूसियात मुझे पहले बताएं ना। सबसे पहले तो अरशद भाई आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आप आए चकवाल और बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर चकवाल में, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी। और एज़ सेवियर ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मैं मुख्तलिफ वालों से ऑलिव पे काम कर रहा हूँ। जी जी। ऑलिव क्योंकि बड़ी रहमत बड़ी बरकत वाला पौधा है जी, और अल्लाह ताला ने इसकी कुरान मजीद में कसम भी उठाई है, तो ये हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि बरकत और हिकमत वाला पौधा जी, है। कोई शक। तो यहाँ पे बरानी एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट किए, इनके जो साइंटिस्ट हैं कई सालों से इनकी मेहनत थी काविश है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ वैराइटीज़ कामयाब की, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह ये काश्त हो रहा है। हमारा जो पोठोहार रीजन है और खसूसी तौर पे चकवाल को ऑलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया है, और अभी गुड न्यूज़ ये भी है कि इंटरनेशनल जो इसकी एक कमेटी है ओवर पूरे वर्ल्ड में,
तो उसका भी पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल गई माशाल्लाह ओलिव ऑयल के हवाले से। सही, सही। तो पिछले कई सालों से हम मुख्तलिफ जगह पे ओलिव फेस्टिवल भी करवा रहे हैं, उसका भी मकसद ये है कि इसको प्रमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है इसकी। आप फार्मर जो हैं, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड लोग हैं या ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं, वो चाहते हैं जी कि हमें कोई बेनिफिट मिले, तो मौजूदा जो पोजीशन है हालात की पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें ये मैं समझता हूँ कि माशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, मैं समझता हूँ इससे बेहतर पैदावार नहीं है। बहुत अच्छे हवाले से इसकी पैदावार भी हो रही है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। यानी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री से जो हमारे पाकिस्तानी है वो इसमें जी वो अच्छा मुनाफा कमा जी सकते हैं। वो कर सकते हैं। ये जो मशीन है जिसका आज हमें आप विजिट करवा रहे हैं, ये इसकी अफादियत बताइएगा, यानी इसका फंक्शन बताइएगा, और ये कितना रोज़ाना कितना ये लोग तेल निकालते हैं, क्या करते हैं ये जी? उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने ये खसूस तौर पे जो ओलिव के फार्मर थे उनके लिए यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करवाई, ये इटली से आई और इसका जो प्रोसेस है वो कई जो है ना टनों के हिसाब से ये प्रोसेस करते हैं। और जो फार्मर है, पहले तो पूरे पाकिस्तान से फार्मर यहाँ पे आते थे, अपना फ्रूट लेके आते थे, उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो प्रोसेस करके दिया जाता था। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई और चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होती, ये प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से ओरिजिनल हालत में इसका ओलिव प्रोसेस होता है, जिसको वर्जिन ऑयल कहते हैं। सबसे अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये खाने वाला 100% पेयर ऑयल है, वर्जिन ऑयल। ठीक है जी। और मुख्तलिफ फार्मर जो है उन्होंने अपनी ब्रांड भी बना ली है इस हवाले से, किसी को ऑयल चाहिए हो, किसी को मालूम चाहिए हो, बागात के हवाले से मालूम चाहिए हो, तो ऑलरेडी मेरा नंबर भी है, मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। पीछे हमारी पूरी एक टीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के जो सीनियर्स हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं, और हम जो बागात लगवाते हैं उसमें जो रजिस्टर्ड पौधे हैं वो हम वहाँ पे लगवाते हैं, ताकि 3-4 साल की मेहनत के बाद जब फ्रूटिंग पे आता है तो उसका रिजल्ट अच्छा हो। सही। तो अच्छा ये जो यानी फ्रूट आया, फार्मर ले के आया इधर जी, जी, उसके बाद वो मैंने देखा कि टोकरियों में वो जी जी था पड़ा हुआ, फिर पहला प्रोसेस यानी उसको मशीन में डालते हैं जहाँ मुझे लगा कि वो वाश होता है ना, पानी है उसमें, बिल्कुल सही तरह उसकी सफाई होती है, सफाई होने के बाद फिर फर्दर उसका प्रोसेस शुरू होता है और जाके आखिर में वो ऑयल निकलता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे आप लोगों से, या आप इसमें डील करते हैं कि आप किसी को कहें जी कि आप मुझसे ये ले सकते हैं, या कोई फार्मर ऐसा है जिसके बारे में आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम अच्छी एडवाइस देते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि हर लिहाज से एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम दिया जाए आपके तवसत से। एक तो ये जो मशीन है इसमें सारा प्रोसेस होता है, और उसमें ये है कि यहाँ पर फार्मर जो ले के आते हैं उनसे हम ख़रीद भी लेते हैं, और आगे हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको हम प्रॉपर पैकिंग करके उनको मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी के लिए हमारा पूरा अच्छा, सिस्टम है। अच्छा। कोई भी हमें ऑर्डर करे तो हम उसको ऑर्डर भिजवा सकते हैं, 1 लीटर से ले कर 100 लीटर तक, 500 लीटर तक, यानी कि कोई उसमें नहीं है कि हम भिजवा सकते हैं। सही। अच्छा एक दफ़ा लास्ट टाइम ना हम लोग जब गए हुए थे ओलिव फेस्टिवल में, तो उस वक्त कमेंट में लोगों ने कहा था कि यार ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं, अब इसका जवाब क्या है कि वो कहते हैं यार इंटरनेशनल जो मार्केट में है उसके मुकाबले में तो ये इतना महंगा है कि आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में चीज़ समझने वाली ये है कि चीज़ की होती है क्वालिटी, आप जाते हैं क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी किसकी है। अब मैं उसकी मिसाल दूँगा फार्मी अंडे की और देसी अंडे की। सही है। ठीक हो गया। फार्मी अंडा जो है उसका रेट और होता है देसी अंडे का, पहले तो देसी अंडा मिलता ही नहीं है। सेम ऐसी कंडीशन है कि इस ओलिव जो ये प्रोसेस हो रहा है जिसको हम वर्जिन ऑयल भी कहते हैं, 100% पेयर है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है ना ले जिनकी अप्रोच है और जो समझते हैं वो लेते, क्योंकि सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं। अगर आप सेहत पे हज़ारों लाखों रुपये लगा सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये उस कीमत का नहीं है कि आप सबसे पहले तो इंसान अपनी सेहत देखनी है ना, तो सेहत को अगर देखा जाए तो ये चीज़ देखी जाए, जो बाहर की ब्रांड है वो मैंने आपको बताया कि उसमें 5 से 7% या 10% ओलिव ऑयल होता है, बाकी उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, ये 100% पेयर है और लेबॉरेटरी से बकायदा टेस्ट होता है, इसके प्रॉपर जो हमारा गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने इसको प्रॉपर
टेस्ट किए हुए हैं, इसकी लेबॉरेटरीज़ हैं, यहाँ पे भी लेबॉरेटरीज़ है, वो बकायदा प्रॉपर टेस्ट करते हैं, टेस्ट होने के बाद ये आगे मार्केट में जाता है। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह जहाँ प्रोसेस हो रहा है, ये इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, जी जी, ये बजाते खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मशीन है। जी जी, गवर्नमेंट जी जी गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट जो है ना हर चीज़ को बड़े ऐसे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, और फार्मर को भी फ़ायदा दे रहे हैं, जो लेने वाले हैं उनको भी, और आने वाले टाइम में जब इसकी ज़्यादा पैदावार होगी, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं फार्मिंग के ऊपर ना, तो जैसे जैसे चीज़ बढ़ेगी उसका रेट भी मुनासिब होगा। अभी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, वो जो वैल्यू यानी कि मार्केट में जो है ये आता है ऑयल, वो कम आता है, इस वजह से उसका रेट जो है ना वो ज़्यादा है। सही, तो सही। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में रेट भी मुनासिब होगा, और हम कोशिश करते हैं कि अपने जो कस्टमर हैं उनको मुनासिब रेट मैनेज करें, मार्केट से कोशिश करें कि उनको मुनासिब रेट पर दें, और साथ जो उसकी क्वालिटी है उसकी उसको बरकरार रखा जाए। सही, के साइंसदानों का कमाल ये है जी, लेमन कितना बड़ा साइज़ है देखें। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले भी दिखाई थी, आ जाएं सबसे छोटा सा साइज़ आ जाए। ये तो हो गया लेमन, और ये एक बड़ा ही स्पेशल सा फ्रूट है, ये देखें इसको, वाह मीठा ज़बरदस्त। हैदर भाई इसको क्या कहते हैं जी? ये भी लेमन की वैरायटी है। अच्छा, ये रशियन चाइनीज़ और रशियन जो है सैलड के साथ खाते हैं, सीड नहीं होता है इसमें, और ताई खुशबू और टेस्ट, ये खा के पानी ऊपर से पिए प्यास भी नहीं लगती। वाह, ये सारा कुछ यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारे इस इंस्टीट्यूट में। अगेन थैंक यू मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी, आप बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं हमारी इस वैली में, आप मुझे गाहे बगाए जो है वो बुलाते रहते हैं। तो नाज़रीन अकराम, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह किसी नए मकाम पर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।